पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब कुछ महीने मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत परेशान थी। कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करती थी, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। फिर मैंने आपके वीडियोज़ देखे तो उस पर मुझे बताया गया, यानी आपने बताया, तो मैं ऐसा सोचती थी कि आप जैसे मुझसे ही बात कर रहे हो, मुझे ही कह रहे हो। अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद मैंने वही चीज़ अप्लाई किया। लाइक आपने बोला था कि आप खुद से बातें करो, तो मैं ना खुद से अकेले में बैठ के बातें करने लग गई। फिर मैंने उसको ऐसे अप्लाई किया कि जो मेरा पास्ट था वो पास्ट था, वो एक्स है, और एक्स तो मर चुका है। यू नो, आपने एक सेशन में बताया था, बिल्कुल मर चुका है। हाँ, तो मरे हुए से जिंदा हो। मुझे लग रहा है वीडियो देख के आएगा आपके पास, पक्का आएगा। हो जाता है जी, यादें ताज़ा हो जाती हैं। एनी हाउ, तो फिर मैंने अपने आप को ओवरकम ऐसे ही किया कि वो तो मर चुका है, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। हाँ। तो बस अब मुझे आगे देखना है अपनी लाइफ। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। अपने आप से जब बात करनी ही है तो ढंग की बात करो ना। ऐसी बात क्यों करते हो जिसकी वजह से आप दुखी हो जाओगे? बोलना ही तो कोई ढंग का बोलो ना। जैसे कोई सिचुएशन है उसको देख करके अगर आप बोलना चाहो तो कितने एंगल से बोल सकते हो? क्या एक ही नजरिया है या बहुत सारे नजरिए हैं? बहुत सारे हैं। ये बात हमको समझ आ रही है ना? तो अगर हम एक नजरिए से देखेंगे तो हम इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे घर में कोई ऐसा है पर्सन जिसका कि नेचर अच्छा नहीं है। अगर हम इस नज़र से सोचेंगे कि उसमें कितनी कमियां हैं, सोचेंगे मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर बोलेंगे, पहले तो इसको क्लियर कर लो अच्छे तरीके से। सोचना मतलब अपने अंदर अपने आप को बोलना। ये बात क्लियर हो रही है ना? हमारे घर में, हमारे रिलेशन में, हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ना तो हम रह सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं? ऐसा होता है सबकी लाइफ में? नहीं होता। होता है। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप अगर उसके बारे में आप बोलना चाहो अपने आप को, औरों को नहीं, क्योंकि औरों को सब कुछ नहीं बोल सकते, जूते पड़ेंगे, है ना? अपने अंदर तो हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कौन रोक रहा है? किसको पता है हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं किसके बारे में? तो वो बंदा जो बहुत पकाऊ है उसको मुंह पे पकाऊ नहीं बोल सकते, लेकिन मन में तो बोल ही सकते हैं ना। लेकिन अगर पकाऊ बोलेंगे तो क्या होगा? रहना उसके साथ ही है तो फंस गए, तो क्या बोल सकते हैं? कितना क्यूट है। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, अंदर बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? अंदर बोलना मतलब क्या? सोचना। अंदर आपने क्या किया? जो खुद की कमियां हैं, खुद की गलतियां हैं, औरों की कमियां हैं, औरों की गलतियां हैं, दुनिया की कमियां हैं, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप लाइटली देखना शुरू कर दो अपने अंदर। समझ आया? नहीं आया? बाहर तो लाइटली नहीं ले सकते, बाहर क्राइम है, तो यू कांट टेक थिंग्स लाइटली देयर, क्योंकि उससे तो क्राइम बढ़ जाएगा। कोई क्रिमिनल है, अगर उसको लाइटली लिया या उसको छूट दी क्राइम करने की, तो क्राइम बढ़ जाएगा। ऐसे कोई पर्सन अगर आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको छूट दी तो उसकी आदत बन जाएगी, तो वहां पर तो स्टैंड लेना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझ लेना अगर हम इसको क्लियर कर पाए तो। क्योंकि क्या होगा, मैं इसलिए क्लियर करता चला जा रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, मैं जो भी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं अंदर की दुनिया की बातें, लेकिन आप सोचते ही बाहर की दुनिया के बारे में हो, तो आप कहोगे कि अच्छा इसका मतलब कुछ ना करें, हम बैठ जाएं, हाँ लाइटली ले, लाइटली ले मतलब घुमसाण की तरह पड़े रहो, कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। ये क्या होगा? तो ये दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी। इस दुनिया में यू नीड टू बी अ वॉरियर, मतलब ऐसा वॉरियर कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, आप लड़ने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। लड़ाकू नहीं हो, लेकिन अगर जरूरत है तो लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन अंदर क्या कर रहे हो? अंदर हल्के फुल्के हो, ठीक है, हो गया ना, समझ गए? हाँ, मतलब कहीं जा रहे हो और गिर गए, मान लो केले के छिलके पे आपका पैर पड़ा और गिर गए, तो क्या करना है? वहां पर ये नहीं कि वहां पर पड़े हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, कुत्ता चाट रहा है आकर के मुंह, बढ़िया है, लाइफ बढ़िया चल रही है। आलसी लोग इन बातों को यूज कर लेते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ ना, अगर इन बातों को, जो अंदर की दुनिया की बातें हैं, उनको आपने बाहर अप्लाई किया तो आप आलसी हो जाओगे, यू विल बिकम लेजी, पड़े रहोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सही, मेरे पिताजी के पास पैसा है तो सही, क्या जरूरत है, रोज रात को एक लवली लवली लगा, बढ़िया है, लाइफ बढ़िया है, निठल्ले हो जाओगे। मैं जब एक्सेप्ट करने की बात करता हूँ, अंदर की दुनिया की बात करता हूँ, लाइटली लेने की बात करता हूँ, अंदर की दुनिया की बात करता हूँ, रिलैक्स रहने की बात करता हूँ, अंदर, बाहर रिलैक्स नहीं होना है। बाहर रिलैक्सेशन का मतलब लेजीनेस, बाहर से हाइपर एक्टिव, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो, अंदर से पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो।
वो कैसे होगा? कोई स्ट्रेस का, वो कैसे होगा? आप यहां से अब जाओगे, मेट्रो में जा रहे हो, क्या वहां पर बैठे हो इतनी अवेयरनेस आप रख सकते हो कि मैं अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ? अगर इतनी अवेयरनेस रख सकते हो तो अब आप अवेयर हो किसके? अपने थॉट्स के, यानी कि अपने माइंड के. यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स. तो अब आप अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? आप मेट्रो में जा रहे हो, अपने अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे हो, अब क्या होगा? बीच बीच में अवेयरनेस खो जाएगी, क्योंकि आते कुछ और पड़ी हुई है. अवेयर रहने की हमारी आदत नहीं है, हम सपनों में खो जाते हैं. अपने आप को कुछ बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ होता है, फिर खो जाते हैं. एक घंटे बाद याद आता है, अरे मेरे को तो अवेयर रहना था कि मैं अपने अंदर अंदर क्या बोल रही हूँ. और 3 घंटे निकल गए और कोई अवेयरनेस ही नहीं है. ऐसा होता है ना? हाँ. लेकिन अगर 3 घंटे बाद भी आपको याद आया तो उस वक्त ये देखने में कि मैं अभी देखता हूँ, अभी देखती हूँ कि अपने अंदर क्या बोल रहा हूँ. नंबर वन, तो जैसे ही आप देखते हो बोलना बंद हो जाता है. अगर पूरी पावर के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ देखते हो तो बोलना बंद हो जाता है. मतलब आप थॉटलेस स्टेट में चले जाते हो. इसको बोलते हैं रियल थॉटलेस स्टेट. ये नहीं कि बेवकूफों की तरह मेडिटेशन कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बेकार खराटे ले रहे हैं. बहुत लोगों ने देखा है अंधेरे में मेडिटेशन करते हैं, अंधेरे कमरे में. क्यों भाई, कोई गलत काम कर रहे हो क्या? उजाले में क्यों नहीं, खुले पार्क में क्यों नहीं, मेट्रो में क्यों नहीं, आंखें खुली क्यों नहीं रखते हो? कुछ नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को. अगर ये अवेयरनेस बनी रहे कि मैं अभी अपने आप को अंदर क्या बोल रही हूँ, ये भी पता होता है कि मैं जो बोल रही हूँ उसका इफेक्ट अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है, यह हमें पता होता है. यानी कि बाहर अगर आपके हाथ पे कुछ गर्म टच होता है, अगर पता ही नहीं लग रहा है तो बात अलग है, लेकिन जैसे ही पता लगता है, जैसे होता है ना किसी चीज़ से जला हाथ, तो आपने नोट किया होगा कुछ सेकंड्स बाद हमें पता लगता है, क्योंकि वो सेंसेशन कुछ सेकंड्स बाद हमारे ब्रेन तक पहुंचती है. तब तक हाथ जल चुका होता है ऑलरेडी. लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं या नहीं हटाते हैं, या तब भी रखते हैं यहाँ जलने दो ना, नहीं करते ना ऐसे ही. तो जब हमें पता ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में. लेकिन जैसे ही पता लगता है, यानी आप एक खाना खा रहे हो उसमें कीड़े मकोड़े हैं, पता नहीं लग रहा है, खाए जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको एक मक्खी दिखी उसके बाद खा सकते हो क्या? देख करके नहीं खा सकते. ऐसे ही अगर आप ये जान जाओ कि अंदर मैं क्या उल्टा बोल रही हूं अपने आप को, तो जानबूझ करके आप अपने आप को उल्टा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी वजह से दुख होने वाला है. तो जानबूझ करके आप अपने आप को दुख नहीं दे सकते, जानबूझ करके आप अपने आप को परेशान नहीं कर सकते. अगर आपको चॉइस मिले कि कल का जो दिन है वो या तो बहुत ही खराब जाने वाला है या बहुत ही अच्छा, क्या चूज करोगे? कोई है जो बहुत खराब चूज करेगा? एनीबडी? इस बात की गहराई समझ आई कि हम जानबूझ करके कभी भी अपने लिए दुख चूज नहीं कर सकते. इसमें भी सिचुएशन है, सपोज के अगर मेरी, जैसे सपोज मेरी फैमिली है और आई एम डूइंग, मतलब ठीक है मेरे दिमाग में चीज चलती है जो आप बोल रहे हो, दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग फॉर, ठीक है, तो मेरा, मेरे हस्बैंड के दिमाग में चलता है. बट स्टिल सम सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे आप फादर लॉ मदर लॉ, उनको तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, वो एक ऐसी एज पे है कि आप उनको समझा नहीं सकते हो, बट स्टिल हमें एक बार दिमाग में चलता रहता है कि नहीं नहीं बोलना है, वो बड़े हैं, स्टिल ठीक है कोई बात, उन्होंने कर दिया क्या हो गया. बट स्टिल एक टाइम पर, एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि यार मतलब ठीक है मैं नहीं बोल रही हूँ. आप एक बार माइक लेकर के बोलो ये बातें, अगर कैमरे में आ जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपके इन-लॉज की कोई, व्हाटएवर. हाँ ठीक है, बोलो जी आप क्या कह रहे हैं. मतलब ये है कि अगर मैं समझ रही हूँ, मैं नहीं आर्ग्यू कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो भी आके मतलब बार बार एक ही सिचुएशन को वो खड़ा कर दे. यू आर 100% श्योर इट्स ओके इफ ये कैमरे में आ जाए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए. अब मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ इस पॉइंट को जो अभी आपने बोला है. देखो अभी तक हमारा क्या डिस्कशन हो रहा था, मैं बार बार वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलोगे ना तो समझ जाओगे. मतलब मैं आपको ले करके यहाँ तक आता हूँ, आप फिर दूर भाग जाते हो. दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी आदत यही है ना, बाहर 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 बाहर, दुनिया 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 दुनिया. लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई दुनिया को कैसे बदलना है. मैं क्यों बदलना है तुझे, दुनिया क्या करना है, दुनिया अच्छी तो है, क्या बदलेगा? मतलब दुनिया जैसी है परफेक्ट है, पहले खुद को बदल ले, उसके बाद में देख लियो तेरा जो नेचर है उसके बाद. एनी हाउ, तो अब आप जो बात कह रहे हो कि भाई मान लो हमारे इन लॉज हैं जिनके साथ हमारी नहीं बन रही है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, थिंकिंग अलग है, पर्सनालिटी अलग है, पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, हमने तो अपने माइंड में भुला दिया है बट सामने वाले पकड़ के बैठे हुए हैं. बार बार जैसी कोई बात होती है, चाहे उस बात का पुरानी उस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ उठ करके वहाँ पर आ जाता है. यही सब होता है ना? हाँ ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त हम चाहते क्या है कि हम कुछ ना करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो हम भी रिएक्ट करते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं तो हम भी बोल देते हैं, फिर वो भी बोल देते हैं, फिर ये भी हो जाता है। नहीं बोलते हैं तब भी हमारे अंदर ही अंदर लड़ाई होती रहती है, तो हमें लगता है नहीं हमें बोल देना चाहिए था। समझ, हाँ वो हस्बैंड बेचारे हर तरह से पिसते हैं एनी हाउ, तो वो भी लड़ रहे होते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। आई अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको ध्यान से आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर की जो दुनिया है वो कभी भी ऐसी नहीं होने वाली है कि सब कुछ पीसफुली हो रहा है, सब कुछ हमारी लाइफ में परफेक्ट हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, बिल्कुल हंसते खेलते सब तरफ चेहरे नजर आ रहे हैं। आप एक ऑफिस में गए, सब लोग परफेक्ट हैं, ये सब कह रहे हैं वेलकम जी वेलकम, आइए आप ही का तो इंतजार था, जैसे मूवीज में नहीं दिखाते हम साथ जाद है। वहां पे मूवीज में भी अगर आप देखो तो दो चार विलन होते ही हैं, रियल लाइफ में तो पता नहीं कितने विलन होते हैं। रियल लाइफ में क्या है, हर कैरेक्टर में कुछ प्लस माइनस हो रहा होता है, आज कुछ अच्छे होते हैं लोग कल बुरे हो जाते हैं। तो बाहर की जो दुनिया है वो कैसी है, बिल्कुल एक लड़ाई के मैदान के जैसी है, लड़े तो मरे, नहीं लड़े तो मरे, नहीं लड़े तो अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, बाहर वाला और पावरफुल होता चला जाएगा, लड़े तो तब भी सामने वाला कोई कमजोर तो है नहीं, वो भी लड़ने के लिए तैयार बैठा है। समझ गए ना क्या है ये दुनिया। हाँ, ये बाहर की दुनिया में क्या क्या आ गया, सिचुएशंस, लोग, सक्सेस फेलियर, ये वो सब कुछ आ गया। तो कहने का मतलब है कि बाहर तो लड़ाई चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी, ऐसी ही है दुनिया, बाहर आर्ग्यूमेंट भी होगा, बहस भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे सेशंस को अगर आप ध्यान से समझोगे, यहाँ जो लिखा भी हुआ है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, मैं घुमा करके आपको यहाँ ला रहा हूँ, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, समझे, आप वहीं घूम रहे हो, वहां पर आप रोने वाले हो, दुखी होने वाले हो। मैं क्या कह रहा हूँ, इस सबके बावजूद मतलब बाहर लड़ाई चल रही है, तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन अंदर कोई लड़ाई नहीं है, इसकी बात हो रही है। ये नहीं हो रही कि बाहर लड़ाई कैसे ना हो, अरे बाहर तो होगी, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ आई गहराई से, जो बात मैंने अभी कही है कि अंदर हमारे कोई लड़ाई ना हो, अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, मतलब अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई माइंड में खचड़पचड़ ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे अंदर, तब हम बाहर चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, या अंदर भी लड़ाई है बाहर भी लड़ाई है तब हम अच्छे से लड़ पाएंगे। बाहर की लड़ाई से जो अंदर की लड़ाई बढ़ती है, नहीं यही तो गलतफहमी है, बाहर की लड़ाई से अंदर की लड़ाई नहीं बढ़ती है, अंदर की लड़ाई से बाहर की लड़ाई बढ़ती है। इस दुनिया का जो इतना बुरा हाल है वो बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से है, या जो अंदर हो रहा है उसकी वजह से है। समझ गए, हाँ जी, अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, उसकी बात चल रही है आज इस सेशन में, तब आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, अब आप रुक जाओ, मैं एक जोन में एंटर कर रहा हूँ, अब आराम से शांति से बैठो और सुनो। अपने आप को बोलना मतलब सोचना, तो अपने आप को जब बोलना ही है तो वो बोलो जो सच है। सच क्या है, कि दुनिया ऐसी ही है। नहीं आई बात समझ? देखो, अगर बाहर आपने देखा एक बिल्ली है चूहे पे अटैक कर रही है, अटैक कर दिया आपके सामने, आपको नजर आ रहा है, बुरी तरह से उसको मारा, पहले उसको पूरा अच्छे से खोला, अपने दांत में लिया, उसको चीर करके फाड़ करके और वहीं से निकाल निकाल के खा गई उस चूहे को, तो अब आपके आसपास में जो लोग हैं वो चूहे भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकते हैं, आप चूहे भी हो सकते हो, आप बिल्ली भी हो सकते हो, तो बाहर कुछ भी हो रहा है तो आप अंदर बोल सकते हो ये तो ऐसा ही है, खत्म, दी एंड। जब से दुनिया बनी है तब से बिल्ली और चूहे की लड़ाई चलती रही थी, चलती रही है और चलती रहेगी, और दुनिया ऐसी ही है। इसको दुखी होकर के नहीं बोलने के, दुनिया तो ऐसी है ये। अब जी के क्या करेंगे, नहीं, इसमें देयर इज वाइटलिटी इन दिस, देयर इज ब्यूटी इन दिस, इफ यू कैन सी दैट। जिन चीजों से आप दुखी होते हो ना, अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो, उसी में आपको मजा आने लग जाएगा। शमशान घाट में भी बैठे हो गए और मजा आ रहा होगा, अंदर बाहर नहीं। अब ये थोड़ा बैलेंस बनाना होता है, इसमें मेरे ऐसे बंदों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मैं वहां जा रहा होता हूँ, मेरे को अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ, कई बार नहीं कंट्रोल होती तो बाहर आ जाता हूँ,
क्योंकि लोग सब नौटंकी भरे पड़े हैं और आप ऐसे ही सीरियस हो रहे हो। शमशान घाट में इतनी कॉमेडी है, आप में से गए हैं, कुछ लोग गए हैं वहाँ पर, इतनी कॉमेडी है मैं बता रहा हूँ किसी कॉमेडी सीरियल में नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं सिर्फ कुछ जो एक्चुअल में रो रहे होते हैं उस बंदे के लिए, बाकी बाहर से दिखा रहे हैं पता नहीं क्या हो गया। अबे जब वो जिंदा था तो कुत्ते की तरह ट्रीट करता था तू उसको और वो तेरे को, हाँ तू भी वेट कर रहा था उसके मरने का, वो भी वेट और वहां पे आकर के ऐसा ड्रामा कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अबे क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअल में दुखी होते हैं उनसे ज्यादा वो दुखी दिखते हैं। हाँ वो दुखी दिखते हैं। तो अगर आप अवेयर हो उस टाइम पे और आराम से बैठ करके देखो, मतलब आ करके ड्रामा मैं तो ये और फिर एकदम से घड़ी देख रही है ऐसे समझ रहे हो कितनी कॉमेडी है चारों तरफ और आप क्या कर रहे हो इस कॉमेडी में, अभी सीरियस हो रहे हो। सीरियस होने की कोई वजह ही नहीं है, बस हल्का सा नजर चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई भी ऐसी सिचुएशन दो जिसकी वजह से आप सीरियस हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उसको भी यहीं की हम कॉमेडी बना देंगे, सिर्फ नजर बदलेंगे हल्की सी, लेकिन सोच समझ करके बोलना, मतलब कैमरे में आएगा तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सर जैसे हमसे कभी किसी ने कुछ बोला, हमने उसको रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर बाद हमने किसी और से डिस्कस किया तो हमें लगा नहीं उस टाइम पे हमने उसको जवाब नहीं दिया, मतलब उसे नहीं रिप्लाई किया, गलत किया, हमें करना चाहिए था। तो अपने आप अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते हैं कि नहीं ये क्यों किया हमने, क्यों उसकी बात सुन ली, रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई कर भी देते तो क्या उखाड़ लेते। मैं सच बोल रहा हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा ना, हाँ प्लीज हैव सीट। देख रहे हो मतलब अगर ऐसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको डेमो देने के लिए, ऐसे मैं खुद से बात करता हूँ तो मुझे अपने आप को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। तो मर भी गया जैसे लोग होते ना, और जवानी में मर गया, अब जी कहाँ रहा था वो पढ़ा गया था उसकी जिंदगी है, ये मैं अपने अंदर बोल रहा होता हूँ लेकिन ठीक है जी, अब ये बातें बोल नहीं सकता ना, जो मैं अपने अंदर बोलता हूँ ना, अगर बोल दूँ ना तो लोग बौखला जाएंगे, लोग कहेंगे क्या, बड़े सीरियस रहते हैं लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।